Assalamualaikum, Good morning, Safe City के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अमान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ के खुदा अपनी रहमते बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे और ये भी हम दुआ करते हैं कि आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। इमशा, आज हमारे प्रोग्राम में बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि पंजाब पुलिस का हिस्सा भी हैं, जिन्होंने पंजाब पुलिस का नाम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे वर्ल्ड में रोशन किया। अब मैं आपको बता दूं कि उनकी महारत क्या है। वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं और इसके साथ साथ भी और भी बहुत सारी महारतें रखते हैं। ये उन्हीं से जानते हैं कि वो किस किस्म के खेल खेलते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अकील अहमद साहब, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन को बता दूं कि ये प्रो रेसलिंग भी खेलते हैं और मार्शल आर्ट्स के भी माहिर हैं। लेकिन जब मैं इनसे बात कर रहा था, इन्होंने मुझे अपना एक निक नेम बताया रिमशा, जो कि बड़ा मजे का था, क्योंकि जब आप प्रो रेसलिंग खेलते हैं तो उसमें आपका एक निक नेम रख दिया जाता है। तो ये उन्हीं से जानते हैं कि वो निक नेम क्या है और ये निक नेम अखज किसने किया। अकील साहब, मुझे बताइए कि प्रो रेसलिंग में आपका निक नेम क्या है? प्रो रेसलिंग के अंदर जो मेरा नाम है वो राउडी काकड़ के नाम से, राउडी काकड़ जी, ठीक है, जाना जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त काफ़ी पूरी वर्ल्ड में इसके फैंस बन चुके हैं मेरे रौडी काकड़ के नाम। लोग आपको रौडी काकड़ के नाम से ही जानते हैं? मुझे बाहर जो मेरे नाम से सिर्फ रौडी काकड़ से ही बुलाते हैं, मुझे अकील के नाम से। लेकिन देख लें, हम आपको अकील अहमद के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इस सफ़र का आगाज़ आपने किस तरह से किया अकील साहब? वैसे तो मार्शल आर्ट का सफ़र मेरा जो आगाज़ हुआ था वो 1987 में मैंने स्टार्ट किया, जब मैं स्कूल में था। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ मार्शल आर्ट हैं जिसमें ताइक्वांडो है, कोरियन मार्शल आर्ट, फिर उसके अलावा कराटे है, जैपनीज़ है, फिर जुजुत्सू है वो भी जैपनीज़ है, फिर ग्रैपलिंग है जो कि रशियन है, और फिर उसके बाद प्रो रेसलिंग पाकिस्तान में स्टार्ट किया। ये मेरा सफ़र एक चलता है और अभी चलता जाएगा आगे तक। 1987 में इन्होंने आगाज़ किया, तो उस वक्त एज क्या थी आपकी? उस वक्त मैं क्लास 7 में था। सेवन्थ क्लास से आप ये इस चीज़ में आ गए? किस किस से स्टार्ट किया, किस खेल से? कोरियन मार्शल आर्ट थी, ताइक्वांडो के नाम से। अच्छा अच्छा, उससे तो जी, ये मार्शल आर्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। जापान का अपना स्टाइल है, कोरिया का अपना है, इस तरह चाइना का अपना है, तो मैंने जो स्टाइल किए हैं वो जापानीज़ और कोरियन किए हुए हैं। ठीक है। सेवन्थ के बाद फिर आप किस एज में थे जब आपने एक वर्ल्ड लेवल पर खेला या पाकिस्तान लेवल पर आपने परफॉर्म किया? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तकरीबन कंटिन्यूसली 16 से 17 साल में नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। उसमें काफ़ी मैंने नेशनल गेम्स भी खेली हैं। फिर उसके अलावा वर्ल्ड में जो है मेरा ग्रैपलिंग के अंदर सिल्वर मेडल है जो कि मैंने अज़रबैजान में जाके खेला जी। ठीक है। उसके अलावा फिर ताशकंद में मैंने जुजुत्सु की एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल लिया। ईरान में वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। ठीक है। और कराटे में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी मेरे हैं उसके अंदर। बिल्कुल ठीक। फिर पाकिस्तान में हम लोगों ने स्टार्ट लिया प्रो रेसलिंग जो था, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुई थी आप जानते हैं, तो उसमें फिर मेरा एक नेम क्रिएट किया गया जो कि राउडी काकड़ के नाम से। इसकी एक थीम बनाई कि राउडी एक्चुअली अपने एरिए का जो मालिक होता है उसे राउडी कहते हैं। ठीक है। लेकिन मैं एक पुलिस वाला था, उन्होंने कहा कि राउडी जो ना वो आप पे सूट करता है। हाँ। तो आपने अपना जो गेटअप है आपने मूछें रखनी है बड़ी बड़ी। अच्छा। इस तरह आगे कि वो चेंज करता रहे। अच्छा। और काकड़ जो है ये पाकिस्तान की एक बड़ी अच्छी कॉस्ट है और जंगजू और लड़ाकी कॉस्ट सही कॉस्ट बन जाती है, तो उस हिसाब से वो उसको साथ लगा के फिर राउडी काकड़ का नाम वो किया गया लड़ने वाला। अकील साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने ग्रैपलिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया, ग्रैपलिंग में और रेसलिंग में क्या डिफरेंस है? ग्रैपलिंग और रेसलिंग ये एक्चुअली यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नाम से जाना जाता है जो कि मैट रेसलिंग होती है। अच्छा। दोनों गेम्स मैट के ऊपर होती हैं, उसके अंदर से इसको अलहदा किया गया है। ग्रैपलिंग के अंदर आप लॉक्स लगा सकते हैं, स्लैम नहीं करते। स्लैम क्या होता है कि आप उठा के थ्रो नहीं कर सकते इसके अंदर। अच्छा। थ्रो करेंगे तो वो आपने डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे इसमें। लेकिन जो रेसलिंग होती है उसमें आपने थ्रोज भी करनी होती है, आपने उसको जो है लॉक लगाने हैं, पॉइंट्स भी लेने हैं। इसके अंदर ग्रैपलिंग के अंदर पॉइंट फाइट है और उसके अलावा टैप आउट करना होता है कि अगर आपको लॉक लग गया है उसमें सेकंड्स होते हैं, अगर आप टैप कर देते हैं फाइट ख़त्म हो जाती है उसमें। अगर आप टैप नहीं करते तो उसमें समटाइम ये भी होता है कि कोई भी बोन जो है वो डिसलोकेट हो सकती है उसमें, ये चीज़ें। अच्छा अकील साहब, ये मुझे बताइए, कभी आपने सोचा था कि वर्ल्ड लेवल पर आप सिल्वर मेडलिस्ट होंगे? कभी आपके जहन में ऐसी बात आई थी या कोशिश करते थे बंदे को नहीं याद ना मुझे चीज़ों का? जी जी, मुझे एक्चुअली मार्शल आर्ट का इतना जुनून था। मुझे याद है कि जब क्लास टाइम होता था 5 बजे का, तो मैं 3 बजे जाके ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता था। 3 बजे 2 घंटे मैं अपनी ट्रेनिंग करता था, उसके बाद जब फिर हमारे टीचर्स आते थे वो करवाते थे, 2 घंटे उनके साथ ट्रेनिंग करता था। मुझे इतना जुनून था कि मैं मॉर्निंग में भी जाया करता था और इवनिंग में भी। तो स्टडीज़ भी आप साथ साथ करते रहे? साथ साथ मैं स्टडीज़। किस तरह से मैनेज किया आपने ये सारा कुछ? मैट्रिक के बाद 92 में मेरे जो फादर थे उनकी डेथ हुई, तो 92 के बाद मैंने जो है साथ साथ पढ़ना शुरू किया और साथ साथ मैंने काम करना भी शुरू किया। सही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स किया, मैंने
हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में सही। और फिर उसी तरह मैं मुख्तलिफ अदारों से होता हुआ वापडा रेलवे पुलिस, फिर पुलिस का एक्चुअली पुलिस में जाने का जुनून था। अच्छा, तो उसमें आ गया, फिर मैंने पुलिस की तरफ से खेलना शुरू किया, उसमें फिर पाकिस्तान पे और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल हासिल किए और 2009 में फिर मैंने पीसीएस कर लिया मैंने उसमें। ठीक है, अच्छा मतलब आपने पीसीएस किया और अब आप ऑपरेशंस में भी डिप्रेशन में हैं, तो ये तो बहुत टफ है, पीसीएस के एग्जाम बड़े टफ होते हैं, किस तरह मैनेज किया? बस उसमें ये था कि स्टडी मैं कर रहा था, वो पूरा दिन जो एक कमरे के अंदर बंद होकर पढ़ना पड़ता है, हकीकत है, पढ़ा सिर्फ ये था कि नमाज के लिए बाहर जाया करता था, बाकी सारा दिन वहीं पे गुजार दिया करता था मैं। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड है आप। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने बताया कि मुझे जुनून था पुलिस में आने का, जी जुनून किसने पैदा किया, क्या जज्बा था, पुलिस में क्यों आना चाहते थे, हालांकि आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स मैन थे, बहुत अच्छा खेलते थे, पुलिस में क्यों आया? वो उसके आने की वजह ये थी कि मेरी फैमिली में मेरी मदर जो है वो कहती थी कि ना मैं चाहती हूँ कि तुम जो ना एक पुलिस ऑफिसर बनो, मेरे अच्छा। वाला की ख्वाहिश थी। अच्छा, तो उनकी ख्वाहिश के पीछे चलते चलते जैसे उन्होंने मुझे मार्शल में भी वही लेके गई थी मेरी वाला। अच्छा, तो इसी तरह फिर इसमें आ गया। अच्छा के सब, आपने कहा कि मैं प्रो रेसलिंग, एक प्रो रेसलिंग या रेसलिंग में कुछ डिफरेंस है या ये एक ही चीज़ के नाम? इसमें बिल्कुल इसमें डिफरेंट है, रेसलिंग है वो मैट रेसलिंग है, मर्ड रेसलिंग है और प्रो रेसलिंग है। मर्ड रेसलिंग जो होती है जो आप ये देसी कुश्ती से हम कह सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मैट रेसलिंग जो कि एक नीचे मैट होता है, मैट के ऊपर आप वो खेलते हैं। प्रो रेसलिंग के लिए हर चीज़ स्पेशल होती है। अच्छा। इसके अंदर ये एक आर्ट है, प्रो रेसलिंग एक आर्ट है जिसके अंदर आपने हील करेक्टर, इसके हील करेक्टर और फेस करेक्टर इसके अंदर डेवलप किए जाते हैं। फिर इसका जो रिंग होता है वो भी स्पेशल बनता है। अच्छा, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि आप लोगों ने उसके ऊपर स्लैम करना होता है, गिराना होता है, गिरना होता है उसमें। आपने देखा होगा कि रिंग टॉप रोप के ऊपर से वो रोल करके नीचे भी गिरते हैं, गिर जाते हैं। तो वो चीज़ों को वो एक ट्रेनिंग के साथ साथ चलना पड़ता है उसके। okay, उसकी ट्रेनिंग भी स्पेशल है, इसकी आम ट्रेनिंग नहीं है कि जो हम ये दूसरी ट्रेनिंग करते हैं वो नहीं है, इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग है। इसके डेवलपमेंट भी इस तरह है कि आप उसमें करेक्टर आपका एक डेवलप की, जैसे मेरा राउडी काकड़ करेक्टर है, अगर आप मेरी फाइट्स देखेंगे तो फाइट्स में आप देखेंगे कि मेरे जब उसमें मैं आता हूँ, अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं अभी जिस अंदाज में बैठा हूँ उसके अंदर मैं बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिल्कुल पहचान नहीं सकेंगे कि आप बिल्कुल मुझे पहचान सकेंगे कि अकेले मैं या कोई और बंदा बैठा, लेकिन हम पहचान लेंगे आपको। और देखिए नाज़रीन, हम आपको साथ साथ क्लिप्स भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह ये खेल रहे हैं और जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा अकील सर, मुझे ये बताइए कि रेसलिंग के लिए जो डाइट है वो तो ज़रूरी होती है, किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए? रेसलिंग के लिए आपको स्पेशली जो ना प्रोटीन्स का जो वो लेनी पड़ती है, इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है, और इसमें जो है चोट्स भी लगती है, ज़रा सी गलती से ना आपकी चोट लग सकती है इसके अंदर। लेकिन प्रो रेसलिंग में लोग अक्सर यही कहते हैं कि जी फेक होता है मुस्लिम, मैंने कई दफ़ा सुना है कि वो यही कहते हैं यार ये तो सारा कुछ डिसाइड होता है, डिसाइड नहीं होता इसमें, डिसाइडेड नहीं होता इसमें। मैंने आपको बता दिया कि दो करेक्टर हैं, एक फेस है और एक हील है। हील करेक्टर उसे कहते हैं जो कि एक एज ए विलन का रोल अदा करता है, जैसे फिल्म देखते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और फेस जो वो हीरो होता है वो एक अच्छे किरदार का मालिक होता है, उसने जब भी फाइट करनी उसने कभी बेईमानी नहीं करनी, लेकिन जो हील करेक्टर है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको कौन सा करेक्टर दिया जाता है? मेरा फेवरेट करेक्टर मुझे वो एक्चुअली फेस करेक्टर दे रहे थे। अच्छा। लेकिन मैंने हील को ज्वाइन किया मैंने, और फिर सम टाइम मुझसे वो बेबी फेस ही कहते हैं एक्चुअली हम लोग, तो वो वाला करेक्टर भी मुझसे डेवलप करवाते हैं। विलन वाला कभी नहीं आपने चूज किया खुद से? नहीं, मैंने वही ज्वाइन किया एक्चुअली। जो राउडी काकड़ है ये अब किसी की नहीं सुनता, ये अपने आप अपनी मर्जी करता अपनी मर्जी करता है। ठीक है, ये रेफरी को भी मार सकता है, उसके अलावा बाहर खड़े लोग हैं उनको भी जगह, मतलब आपकी फाइट देखने में नहीं जाना चाहिए, आप कभी हमें भी मारते हैं अगर हम फाइट जो आए हों पकड़ के लड़का, नहीं ऐसा नहीं है, तो वो तो डिसाइडेड हम कर लेते हैं ना फिर कि हम अगर किसी आम आदमी को मारेंगे वो तो बेकार है, फिर हम अपने ही कुछ बंदों को डेवलप कर लेते हैं कि यार मैं आऊंगा मैं आपके साथ बदतमीजी भी करूंगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये आपकी सजा है। मेरी रेसलिंग देखे, कभी आपने खुद से किसी को चैलेंज किया आओ मेरे साथ रेसलिंग करो? वो तो उसके अंदर तो हम लोग जब अपना इंटरव्यू देते हैं उसमें तो हम चैलेंज करते हैं कि मुझे कोई हरा के दिखाए। आप जो है सेक्टर इंचार्ज के तौर पे काम करें, टीम लीड हैं इस वक्त डॉल्फिन फोर्स के, कोई हमें कोई वाकया सुनाएं कि ड्यूरिंग ड्यूटी कोई ऐसी अच्छी अचीवमेंट रिगार्डिंग क्राइम जो आपने अचीवमेंट आपकी अभी तक है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बताइए। इसमें दिलचस्प ऐसा वाकया है कि आपने क्रिमिनल्स को पकड़ा हो बड़ा राउंड अप करके? बहुत से ज़्यादा क्रिमिनल्स हम अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ते हैं, और हमारे डिवीज़न में वैसे बहुत ज़्यादा क्राइम भी है, हम लोग फिर उसको उस पर काम कर रहे हैं। मैं जब नाइट में था, हमारी तीन शिफ्टें होती हैं वैसे, नाइट में था
तो हम लोग जैसे ही टीमों को आउट किया, आउट करने के बाद टीमें अपनी अपनी बीट में पहुंची हैं, तो अनाउंसमेंट हो जो ना होती है ऐसे कि वन फेयर की कॉल हुई है कि फलां जगह पे स्नैचिंग हो रही है या उसमें उसमें, तो मेरी टीम थी सलजार वाली साइड की, तो वैसे से अनाउंस हुआ कि जी तीन का उन्होंने वारदात की है फलां जगह, तीन लोगों ने उसमें गन पॉइंट पर ऑपरेट की है। तो ये था कि उसमें फिर मैंने अपनी टीमें जो थी स्पेशली उस वक्त जब मैं सेक्टर इंचार्ज था उस साइड एरिया का, तो मैंने अपनी टीमों जो दूसरे सेक्टर की टीमों को उनको बुला के मैंने बाउंड्री पे मैंने उनको कहा कि आपने यहाँ से नहीं जाना, जो बंदा मेन पे आए तीन का सो, दो का सो या एक का सो, जितने भी लोग क्योंकि रात को आपको पता है कि हम वही लोग होते हैं आते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, बहुत कम होते हैं 20% या 30% जिन्होंने अपने किसी ज़रूरी काम के लिए जाना होता है, नहीं तो रात 1-2 बजे कौन आएगा, सिर्फ क्रिमिनल लोग आते हैं उस पर। तो उनको वहाँ पे लगाया, फिर अंदर जो दूसरी जो टीमें थी उनको मैंने सर्चिंग पे लगा दिया, और सर्च करते करते मेरी एक टीम थी बहुत अच्छी टीम थी, उनके सबसे ज़्यादा गैंग भी वही पकड़ती थी मेरी टीम, उन्होंने उनको मेन रोड के ऊपर राउंड अप कर लिया उनको, उनमें तीन लोग थे और वो रिकॉर्ड याफ्ता था जिन पे कई ज़्यादा जो ना FIR थी और वो खदशा था कि किसी तरफ जा रहे थे, कुछ स्नैचिंग कर सकते थे जी बिल्कुल, और उनके पास एक पिस्टल बरामद हुआ था, मैगजीन थे, फिर उनके पास जो बाइक हम लोगों ने पकड़ी वो भी उन्होंने स्नैच की थी, एक दिन पहले स्नैच की थी, मैंने उनको भी मैंने ट्रेस आउट अपने तौर पर ट्रेस कर लिया। उसके अलावा उसने बताया कि मैंने उस जगह पर वारदात की, उस जगह पर वारदात की, तकरीबन 6-7 वारदात मैंने उसे पूछे, फिर मैंने उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया, उनको बुला के फिर उनको उसकी शिनाख्त करवाई, उन्होंने कहा जी यही वो बंदा था जिसने हमारे इधर जो ठीक हो गया। कील साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे कील अहमद साहब जो कि वर्ल्ड ग्रैपलिंग चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, उसके साथ अलावा उन्होंने बताया कि वो रेसलिंग किस तरह से खेलते हैं, तो प्रो रेसलिंग किस तरह से खेलते हैं, तो अगर आप उनकी फाइट देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक और चीज़ बताई है कि हम कभी कभार जो देखने वाले होते हैं नहीं, इन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम नहीं मानते जी बिल्कुल इस तरह है। जी नाज़रीन उम्मीद करते हैं, और उन्होंने एक और भी फाइट कहा था कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, हाँ उन्हें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करना जरूरी होता है। जी नाज़रीन, किसी भी खेल में और किसी भी लाइफ में चलने के लिए, सॉरी मैं फाइट के बार बार बात काटती हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो वक्त है उसको समेटा जाए, लेकिन निमशा के लिए भी बातचीत करनी है मुझे, तो निमशा जी प्लीज कम ऑन फाइट का वापस ठीक है। जी नाज़रीन मजीद टैलेंट के साथ हाजिर होंगे, अगर आपके पास या पंजाब पुलिस के हवाले से कोई टैलेंट मौजूद है, अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप लोग हमें रेफर कर सकते हैं, और रेफर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप लोग हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं सेफ सिटी के नाम से, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के नाम से, आप इस शो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपसे रابطہ करेंगे और आपको जरूर इनवाइट करेंगे, और इसके साथ ही साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सेफ रहें सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।